सीएमओ ने संभाला चार्ज। चार्ज संभालते ही स्वच्छता में खातेगांव को नंबर वन लाना ही पहली प्राथमिकता। इसको लेकर सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत। आपको बता दें, नवागत सीएमओ अनिल जोशी, जिन्होंने खातेगांव नगर पंचायत पर पहुंचकर पद ग्रहण कर नगर में स्वच्छता बनाए रखने को लेकर सभी कर्मचारियों को हिदायत दी। साथ ही कचरा वाहन, जो कि वर्षों से कभी नहीं धोए गए थे, आज सफाई अभियान चलाकर कचरा वाहन, पानी के टैंकर, जिनमें काफी गाद जमी हुई थी, इनकी सफाई कराकर अपने घर से ही सफाई का कार्य शुरू किया है। आगे नगर में जहां भी गंदगी व सफाई की जानकारी मिलेगी, तुरंत नगर पंचायत की टीम वहां पहुंचकर नगर को स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। हमारी प्राथमिकता है कि खातेगांव नगर स्वच्छता में नंबर वन हो। मेन बाजार में जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर ठेले अव्यवस्थित जगहों पर लगाए जा रहे हैं, उन्हें भी व्यवस्थित किया जाएगा। स्वच्छता को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मुझे दो महिलाओं का फोन आया था कि आपकी कचरा गाड़ी तो प्रतिदिन आती है, पर उसमें कचरा फेंकने की हिम्मत नहीं होती है। उन कचरा गाड़ियों में काफी बदबू आती है। वह हमें गाड़ी में कचरा डालने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन महिलाओं की बात को प्राथमिकता से लेते हुए मैंने इस कार्य को अपने कर्मचारियों के माध्यम से पूर्ण किया है। चैनल के माध्यम से भी नगर की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा, सफाई व्यवस्था की स्वच्छता को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। नगर को सौंदर्यकरण में लाने के लिए आम जनता के माध्यम से पौधे लगाए जाएंगे। बराछा रोड पर अधिकांश लोग सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, जिसमें बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। जगह जगह कुर्सी लगाकर आम जन के लिए व्यवस्था की जाएगी। खातेगांव से प्रवीण गंगराड़ी की रिपोर्ट। तो पहले मैं स्वच्छता की जो छह मैजिक है उनको मैंने देखा आके, तो उसमें करीब 1.5 इंच 2 इंच सब में माल लगा हुआ था। तो तत्काल हमने बाबू जी को बोला और अपनी सभी छह मैजिक, टैंकर, ट्रैक्टर सभीों को साफ सफाई करवाई गई है। और स्वच्छ भारत मिशन का एक काम भी है, और इस बार हम ये चाह रहे हैं कि खातेगांव मध्य प्रदेश में वन नंबर पर आए, ये मेरा प्रयास रहेगा आज से ही। और सबसे पहले मैंने अपने स्वयं जो नगर पंचायत की छः मैजिक थी, इसके सर्प से और पानी से सफाई करवाई गई। सर, आगे क्या प्राथमिकता रहेगी खातेगांव नगर को लेकर? आप सर, खातेगांव नगर को लेकर थोड़ा सुंदरीकरण करवाया जाएगा, और मार्केट में जो ठेला गाड़ी अव्यवस्थित इधर उधर खड़े रहते हैं, उन पर पूरा नियंत्रण रखकर उस पर सुधार किया जाएगा। अतिक्रमण का पूरी अतिक्रमण हटाने के लिए पूरा प्रयासरत रहूँगा। और जो मार्केट पर भी जैसे अभी आपने देखा होगा, तलाव की पाल पर कुछ दुकानें लगी हुई है, उसको भी मैं 2-3 दिन में हटाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सर, ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? ट्रेचिंग ग्राउंड को थोड़ा सुंदर कराना है, वहाँ पर कचरा पन्नियाँ इधर उधर उठ रही है, उसकी पेंटिंग करवा के पूरी व्यवस्थित किया जाएगा। मैं आया हूँ और कल उस रोड को घूम कर देख लेता हूँ, जो सुविधा होगी और जनता की जो भी एक अपने आप में फरमाइश बताएंगे कि सर इस पर पौधे लगाए जाए या कुर्सी लगाई जाए, लाइट लगाई जाए, उसको मैं बरोबर।